गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के नामांकन प्रक्रिया के पांचवें दिन किसी भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन नहीं किया, जबकि 13 लोगों ने नॉमिनेशन के लिए पर्चा लिया है। इसके पहले शुक्रवार को एक प्रत्याशी ने अपना नामांकन किया था। शनिवार को कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। अनुमान था कि आज कई प्रत्याशी अपना पर्चा दाखिला कर सकते हैं, लेकिन सारे अनुमान धरे के धरे रह गए। किसी भी प्रत्याशी ने शनिवार को नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया। सिर्फ 13 पर्चे ही बिक सके, जिनको लेकर अब तक 40 लोगों ने पर्चा लिया है। पर्चा लेने वाले लोगों में आशीष कुमार, अश्वनी कुमार, मृत्युंजय पांडे, जितेंद्र कुमार साहनी, नगीना प्रसाद साहनी, संतोष कुमार गुप्ता, रुद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर सुरेता करीम, अवधेश, विजय कुमार, ध्रुव कुमार शर्मा, अमरेंद्र पांडे, यश कुमार शामिल हैं। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एआरओ गजेंद्र कुमार ने बताया, आज कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया है और 13 लोगों द्वारा पर्चे लेकर 13 लोग यहां से पर्चे लेकर गए हैं, क्योंकि कल रविवार सार्वजनिक अवकाश है तो कल नामांकन नहीं हो पाएगा। 19 और 20 तारीख मंडे और ट्यूजडे को नामांकन दाखिल किया जा सकेंगे। क्या समय है सर इसका? समय सुबह 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकेगा।